ग्वालियर में कांग्रेस नेता ऋषभ भदौरिया ने शक के चलते अपनी पत्नी भावना की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय दंपति के दोनों बच्चे करीब ही बिस्तर पर सो रहे थे। वारदात से पहले पति पत्नी विवाद हुआ। इसी दौरान जब पति के सिर पर खून सवार हो गया तो महिला अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागी, लेकिन आरोपी ने उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी कांग्रेस का पूर्व प्रवक्ता भी रह चुका है। परिचितों का कहना है कि पिछले एक महीने से पत्नी से उसका विवाद चल रहा था। उसे शक था कि भावना उससे बातें छुपाती हैं। वारदात के बाद आरोपी हथियार लेकर फरार हो गया। घटना शहर के रामनगर के थाटीपुर इलाके में हुई है। यहां रहने वाला ऋषभ सिंह भदौरिया कांग्रेस नेता है। वह पार्टी का प्रदेश स्तर का प्रवक्ता भी साथ रह चुका है, साथ ही आतंक अपराधी भी है। रविवार सोमवार दरमियानी रात 3 बजे उसने पत्नी भावना भदौरिया से विवाद शुरू किया। उसे शक था कि पत्नी उससे कुछ छुपा रही। विवाद के दौरान कांग्रेस नेता ने जमकर चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे पास ही में सो रहे उनके बच्चों की नींद खुल गई। इसी बीच उसने पत्नी पर हथियार तान दिया। भावना बचने के लिए रूम से निकलकर बाहर की तरफ भागी। अभी वह आंगन में आई ही थी कि तभी ऋषभ ने उसके सिर को निशाना बनाकर फायर कर दिया। गोली इसके सिर में लगी और वहीं ढेर हो गई। इसके बाद आरोपी हथियार और अपना जरूरी सामान लेकर फरार हो गया। पुलिस की इस वारदात की सूचना ऋषभ के पिता कृष्णकांत ने दी। प्रारंभिक जांच में शक को ही हत्या की वजह माना जा रहा है, हालांकि असली वजह का खुलासा आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही होगा। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की विवेचना शुरू कर दी है। परिजन भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। हालांकि फोरेंसिक एक्सपर्ट ने पुलिस को राय दी है कि जिस तरह गोली सिर में लगी है और घाव हुआ है, उससे यह साफ है कि पिस्टल से गोली चलाई गई है। आरोपी कांग्रेस नेता का तगड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है। 2001 में उसकी बहन की हत्या के मामले में भी उसका नाम आया था। इसके बाद चेतकपुरी में हुई एक लूट में भी उसका नाम था। 2 अप्रैल 2018 को ग्वालियर के थाटीपुर से शुरू हुई जातिगत हिंसा को लेकर भी उस पर 2 मामले दर्ज हुए थे। ऋषभ भदौरिया के खिलाफ साल 2020 में जिला बदर की कार्यवाही का नोटिस भी जारी किया गया था। एक महिला की उसके पति के द्वारा हत्या की गई है रात में, जिस पर सूचना पर से मौके की कार्रवाई की गई है। आरोपी अभी फरार है, विवेचना प्रारंभ कर दी।